दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में जाना कोलंबस की पहली यात्रा के बारे में, जिसमें वह सन 1492 ईस्वी में स्पेन से निकलकर भारत को खोजने के लिए चले थे। लेकिन वह अपनी एक गलती की वजह से भारत की बजाय अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने वहीं की एक ट्राइब पर हमला करके उनकी सभी कीमती चीजों के साथ साथ उनके कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ स्पेन लाए थे, जिसके बाद उन्हें अपने राजा से और भी समर्थन मिलता है, जिससे वह आगे चलकर अमेरिका की तीन और यात्राएं करते हैं। लेकिन यह तीनों यात्राएं पहली यात्रा से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उन्हें पहली यात्रा में सिर्फ एक देश ही खोजना था, लेकिन अब की बार इनका इरादा कुछ और था। क्योंकि कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा में देखा था कि यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड है, जिस पर कई ट्राइब्स रहते हैं, और इनके पास काफी मात्रा में गोल्ड है, और इन पर हमला करना भी आसान है, क्योंकि ये लोग एक छोटे से समूह में रहते हैं जिसमें करीब 500 से 1000 लोग होते हैं, और इनमें से ज्यादातर बूढ़े बच्चे और औरतें ही होती हैं, और ये सभी ट्राइब्स एक दूसरे से काफी दूर दूर भी हैं। इसलिए अब की बार कोलंबस का इरादा कुछ और ही था, और ये साफ साफ दिख भी रहा था, क्योंकि जब कोलंबस अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था तो उसके पास सिर्फ 3 ही जहाज थे, जिस पर करीब 200 के आसपास लोग थे, जबकि दूसरी यात्रा पर निकला तो उसके पास 17 जहाज और 1200 से ज्यादा लोग थे, जिससे यह साफ साफ पता चलता है कि ये यात्रा किसी देश को खोजने के लिए नहीं थी, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य उनकी सभी चीजों पर कब्जा करना और उन्हें गुलाम बनाना था, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि अगर आप मैप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिस तरह अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, ठीक उसी तरह इन लोगों ने भी इस रीजन के लगभग सभी देशों पर कब्जा किया हुआ था, और ये संभव हो पाया था कोलंबस की इन तीनों यात्राओं की वजह से, क्योंकि कोलंबस ने इन तीनों यात्राओं में इन ट्राइब्स के साथ जो किया, ये सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो चलिए जानते हैं कोलंबस की इन तीनों यात्राओं के बारे में पूरे विस्तार से। कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा में एक नए देश को खोज लिया था, और साथ ही वहां से कुछ गुलामों के साथ साथ उनकी कुछ कीमती चीजों के साथ 15 मार्च सन 1493 ईस्वी को वापसी की थी। और जब वह स्पेन पहुंचा तो वहां के राजा ने उसके साहसी कार्यों की सराहना की, और उनके सफर और वहां के लोगों के बारे में पूछा। तब कोलंबस ने बताया कि वहां की जमीनें हमारी जमीनों से काफी अलग है, साथ ही वहां के लोग भी हमसे ज्यादा ही अलग हैं, जो अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए हैं, और इनके पास काफी मात्रा में गोल्ड भी है, और उनसे लड़ना भी आसान है। अगर हमारे पास एक छोटी सी भी सेना होगी तो हम उन्हें हराकर उनके सभी चीजों पर कब्जा सकते हैं। इन सभी बातों को सुनकर राजा ने उन्हें उसी दिशा में एक और यात्रा करने को कहते हैं, और उन्हें वो सभी चीजें देते हैं जो इन्होंने मांगी थी। अब इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य कोई नया देश खोजना नहीं था, बल्कि खोजे गए इन देशों पर कब्जा करना था, जिसके बाद यह उसी दिशा में एक और यात्रा करते हैं, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 1493 ईस्वी को होती है, जिसमें वह 17 बड़े जहाजों के साथ स्पेन से निकलते हैं, जिसमें उनके साथ 1200 से ज्यादा लोग होते हैं, जिसमें कुछ नाविक, किसान, कारीगर, पोप और एक बड़ी सैनिकों की सेना होती है, क्योंकि यह लोग वहां पर अपना एक पूरा शहर बसाना चाहते थे, और साथ ही वहां के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराना चाहते थे। अब यह लोग अटलांटिक महासागर को पार करके 3 नवंबर 1493 ईस्वी को कैरेबियन के एक अनजान द्वीप पर पहुंचते हैं, और इसका नाम डोमिनिकन आइलैंड रखते हैं। लेकिन यह लोग यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते हैं, क्योंकि इनका सामना वहाँ पर रहने वाली कैरीब आदिवासियों से होता है, और यह आइलैंड इनके लिए बिल्कुल अनजान था। तो ये लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, और जल्द ही इन द्वीपों से दूर चले जाते हैं। और फिर अगले ही दिन यानी कि 4 नवंबर को वह कुछ और छोटे छोटे द्वीपों की खोज करते हैं, जिसका नाम गुआडेपुल, मोरसेरोट, रेडोडो और एंटीगुआ था। जहाँ पर पहुंचने के बाद इन सभी लोगों को कुछ और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती मौसम खराब होने की थी, जिसकी वजह से ये लोग कई दिनों तक इन्हीं द्वीपों पर फंसे रहे, और इन द्वीपों पर सिर्फ जंगल के अलावा कुछ नहीं था। इन चारों द्वीपों पर घूमने के बाद यह लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं, और कुछ दिनों तक इन्हीं समुद्रों में भटकने के बाद वह 19 अक्टूबर को प्यूटोरिको आइलैंड पहुंचते हैं, जहाँ पर इनका सामना होता है टाइनो जनजाति से। टाइनो जनजाति के लोग अपने गर्दन और हाथों में सोने से बने हुए ऑब्जेक्ट पहने हुए थे, और उस समय सोना सबसे बेशकीमती धातुओं में से एक था। अब यूरोपियन उनके सोने के पीछे पड़ गए। पहले तो इन्होंने उनसे दोस्ती की और अच्छे संबंध बनाए, लेकिन फिर ये लोग उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहा, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, और इस लड़ाई में कई स्थानीय लोग मारे गए और बाकी के लोगों को गुलाम बना लिया गया। अब इन क्षेत्रों में इनकी पकड़ काफी मजबूत हो गई थी, जिससे ये लोग यहीं पर एक स्पेनिश शहर बनाने की योजना बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि इनकी वजह से इन जनजातियों को कई यूरोपियन बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिससे इनको भारी नुकसान हुआ और इनकी जनसंख्या में भी भारी गिरावट आई, क्योंकि ये बीमारियां इनके बीच एक महामारी की तरह फैल रही थी, और फिलहाल यूरोपियन को इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था। अब यह बात ज्यादा बिगड़ने लगी थी, क्योंकि अभी बीमारियां इन जनजातियों के साथ साथ इनके लोगों में भी फैलने लगी थी, जिसे ये लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल गए और यहाँ पर बाद में आने का फैसला किया। फिर ये लोग 27 नवंबर 1493 ईस्वी को पहले से ही खोजे गए एक द्वीप पर पहुंचते हैं, जिसका नाम हिस्पानियोला था, जिसे हम हैती के नाम से भी जानते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इन्होंने इस द्वीप की खोज कब की, तो इस द्वीप की खोज इन्होंने अपनी पहली यात्रा में की थी, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब इस द्वीप पर भी एक जनजाति रहती थी, जिसका नाम था टेनो जनजाति। दरअसल
तेनो जनजाति इस रीजन में रहने वाली मूल जनजाति थी जो हैती, क्यूबा और जमैका में रहती थी और पहली यात्रा में इनके बीच संबंध काफी अच्छे थे और जब यह दूसरी बार भी आए तो इनके संबंध काफी अच्छे थे। अब यहाँ पर ये लोग मिलकर रहने लगे लेकिन कुछ समय बाद इनके बीच भी बात बिगड़ने लगी क्योंकि इन लोगों ने जनवरी 1494 में यहाँ पर एक शहर बनाना चाहा। ये लोग जो काम प्यूर्टो रिको में नहीं कर पाए थे वो काम इस आइलैंड पर करना चाहते थे जिसके लिए ये लोग यहाँ पर परमानेंट घर बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ किसान भी यहाँ पर खेती करने लगे। अब यह बात तेनो जनजाति के लीडर को अच्छी नहीं लगती थी। अब उन्हें लगने लगा था कि ये लोग अब हमेशा के लिए इसी द्वीप पर रहने वाले हैं, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में तेनो जनजाति का लीडर मारा जाता है और बाकी के सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है। अब उनके साथ जो होता है यह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी क्योंकि ये लोग उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। ये लोग उनसे अपने सभी छोटे बड़े कामों को करवाते थे और जो मना करता था उसे एक पेड़ में बांधकर छोड़ देते थे जिससे उसकी मौत भूख प्यास की वजह से हो जाती थी और साथ ही महिलाओं के साथ तो और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। और इस लड़ाई के बाद इन लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ करने से रोकने वाला कोई नहीं था जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इजाबेला उपनिवेशक की स्थापना करते हैं। यह स्पेनिशों द्वारा बनाया गया पहला शहर होता है और इस शहर की वजह से स्पेनिश इन क्षेत्रों में काफी मजबूत हो जाते हैं। फिर इसके बाद मार्च 1494 ईस्वी में सियाबो घाटी की खोज करते हैं जिसे उस समय सोने का क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर भी इनकी लड़ाई सियाबो घाटी में रहने वाले जनजातियों से होती है लेकिन यह जनजातियाँ इनसे जीत नहीं पाती हैं क्योंकि इनके पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार होते हैं और साथ ही कुशल योद्धा भी जो लड़ने में काफी माहिर होते हैं। ये लोग लड़ाई जीतने के बाद बचे हुए लोगों को मारते नहीं थे बल्कि उन्हें गुलाम बना लेते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया ये लोग पूरी तरह से इन खोजे गए द्वीपों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उन पर अपना शासन करते हैं जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शोषण होता है। अब फाइनली कोलंबस स्पेन जाने की योजना बनाता है जिसके लिए उसने अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को यहीं पर रहने दिया ताकि इनका कब्जा यहाँ पर बना रहे और सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ स्पेन की ओर निकल गया और यहाँ पर कोलंबस की दूसरी यात्रा खत्म होती है। वह 3 साल बाद यानी कि जून 1496 ईस्वी को वापस स्पेन पहुंचा लेकिन इस बार राजा को देने के लिए इसके पास बहुत कुछ थे क्योंकि इसने यहाँ से करीब 500 से ज्यादा लोगों को गुलाम बनाकर स्पेन ले गया था। हालांकि रास्ते में बीमारी और भूख की वजह से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही इस बार वह पहले से ज्यादा मात्रा में सोना और अन्य कीमती धातुओं को अपने साथ ले गया था। इसके साथ ही कुछ और भी छोटी बड़ी चीजें थी जो अपने साथ ले गया था और इस बार कोलंबस फिर से सफल होकर जब वापस स्पेन पहुंचा तो वहां के राजा ने खोजे गए सभी जगहों का गवर्नर बना देते हैं जिसके बाद कोलंबस फिर से तीसरी बार अमेरिका की यात्रा करता है और इस बार फुल पावर से। दोस्तों अगर आप कोलंबस की बची हुई इन दोनों यात्राओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो आगे देखने को मिलती है।